हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स। माय नेम इज़ रंजय और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो रंजय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल शीट के बारे में, जिसको आप स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। आप एक्सेल पे बहुत ज़्यादा काम किए होंगे, कर रहे होंगे और आप आपकी बहुत सारे वर्क्स एक्सेल पे हो जाते हैं, पर ये जो गूगल शीट है ये क्लाउड पे काम करता है, मींस ऑनलाइन काम करता है। आप कहीं भी आप एडिट कर सकते हो, मींस इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कई लोगों के साथ शेयर करके एक टाइम पे बहुत सारे वर्क को डिफरेंटली वर्क कर सकते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, और कई सारे ऐसे बेहतरीन फीचर्स हैं जो कि आपको एक्सेल्स में नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे जो हैं जो मेरे नॉलेज में हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि गूगल शीट का मेनली वर्क क्या है। ओके, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप एक गूगल पेज पे जाइए और यहाँ पे आप गूगल शीट टाइप करके आप ओपन कर लीजिए। ये फ्री ऑनलाइन स्प्रेडशीट है जिस पे आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल के मेन वेबसाइट पे आप जाके यहाँ पे गो टू गूगल शीट पे आप क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप देखेंगे कि गूगल शीट पे जाने के बाद ये अगर थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे तो गूगल्स के जिस तरीके से आपको एक्सेल्स के डॉक्यूमेंट्स के लिए, पावर पॉइंट्स के लिए, फॉर्म्स के लिए ये उसी तरीके से यहाँ गूगल्स ने अपने दिए हैं, ठीक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उन सारे डॉक्यूमेंट्स की तरह। तो हम अभी शीट्स में जाएंगे और यहाँ पे ब्लैंक शीट पे क्लिक करते हैं। ब्लैंक शीट पे खोलने के बाद ठीक एक्सेल की तरह ही आपको ये इसका पूरा का पूरा व्यू है, पर इसकी कुछ डिफरेंस है जो कि आपको जानना चाहिए। सबसे पहला डिफरेंस आपको ये मिलेगा कि ये आप क्लाउड पे काम कर सकते हैं, मींस आप कोई भी चीज़ को मेल पे भेज के किसी के साथ शेयर करके और एक साथ दोनों लोग आप काम कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हमने शेयर पे क्लिक किया, यहाँ पे मेल एड्रेस शो कर रहा है। मान लीजिए मेरे पास एक मेल है, मैं खोल के दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे नोट टाइप किया और उसको सेंड कर दिया, मींस ये शीट उसके साथ शेयर हो गया। जो भी पर्सन है वहाँ पे जाके खोल के वो चेक करेगा। तो इस तरीके से आप क्लाउड पे काम कर सकते हैं, और आगे की मैं दिखाऊंगा खोल के कि किस तरीके से। पहले कुछ यहाँ पे हम और चीज़ें देखते हैं। मान लीजिए कि आपने एक्सेल में एक चीज़ आप नहीं कर सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, मीन्स अगर कोई इंग्लिश में है, हिंदी में है, तो उसको पंजाबी में, गुजराती में, किसी भी लैंग्वेज में आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दिखाते हैं यहाँ पर, यहाँ पे इंग्लिश लिखें, यहाँ पे हिंदी टाइप किया आपने, यहाँ पे भी टाइप किया और यहाँ पे गुजराती टाइप किया, ठीक है। अब यहाँ से हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपने एक वर्ड लिया हाय, और दूसरा ले लिया आपने हेलो, तीसरा लिया आपने हाउ आर यू, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये आपने एक्सेल में क्या होता है कि आप जो अगर कन्वर्ट करना चाहें तो वो नहीं होगा। आप अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं स्प्रेडशीट पे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान पड़ जाता है। उसके लिए एक फार्मूला का यूज़ करना हो, फार्मूला ये है कि आपने इज इक्वल टू टाइप करना है और यहाँ पर लिखना है गूगल ट्रांसलेट। ये गूगल, सिर्फ गूगल आप टाइप करेंगे तो यहाँ फाइनेंस और ट्रांसलेट का आ जाएगा, ठीक है। आप गूगल ट्रांसलेट पे नीचे जाइए और क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे दे रहा है कि गूगल ट्रांसलेट टेक्स्ट सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज, ये तीनों आपको फिक्स करना है। ये टेक्स्ट में कौन से टेक्स्ट को आपको करना है तो आप बस सेलेक्ट कीजिए, आप अपने माउस को यहाँ पे ले जाएंगे। ये देखिए उसके सेल का यहाँ पे एड्रेस दे दिया, उसके साथ आपने क्या करना है, कॉमन देना है और डबल कोट्स में टाइप करना है। अगर इंग्लिश में है, हिंदी में डालना है तो ई एन, इंग्लिश के लिए ई एन, और फिर आप इसके साथ कॉमा के साथ इसको आगे बढ़िए। और आपने मान लीजिए
हिंदी में टाइप करना है, तो हिंदी का ये दो वर्ड जो कि गूगल ट्रांसलेट करेगा, और फिर इसको ब्रैकेट को बंद कीजिए, और यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा हाय का नमस्ते। और इसी तरीके से आपने पंजाबी का अगर देना है तो सेम वही काम कीजिएगा, सॉरी गूगल ट्रांसलेट, और आप उस चीज़ को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे अपने देना है EN कॉमा दे, और यहाँ पे करते हैं हम ये देखिए पंजाबी में आ गया, और यहाँ पे गुजराती में सेम ये इस चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस वाले सेल में यहाँ पे हम जाके चेंज कर देते हैं गुजराती, ठीक है। ये देखिए आपको इस लैंग्वेज में आ गया। अब ये इसको सेलेक्ट कीजिए और जितने भी हैं ये आपके अपलोड हो जाएंगे, और जिस भी लैंग्वेज में है आपको चेंज करनी, पूरी की पूरी सेल आपकी यहाँ पे कन्वर्ट हो गई। तो दोस्तों ये है बहुत ही अच्छी चीज़ें जो कि आपको स्प्रेडशीट में मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छा है। अब हम चलते हैं कि हमने सबसे पहले आपको दिखाया था कि यहाँ पे शेयर किया था, हम चल के अपनी मेल आईडी को यहाँ पे खोल के देखते हैं जिस मेल पे हमने भेजा था। ओके, यहाँ पे ओपन करते हैं इस वाले को जिस पे हमने भेजा था, हम ट्राई करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने इस मेल से यहाँ पे स्प्रेडशीट के यहाँ से शेयर किया था किसी और दूसरे के मेल पे, और ये वहाँ पे चला गया ऑनलाइन काम कर। जब हम आप ओपन करेंगे, ये देखिए मैंने नोट वहाँ पे दिया था और ओपन इन शीट्स, हमने दूसरे साइड एक शीट को ओपन किया। हम देखते हैं कि कुछ चेंजेस अगर करते हैं तो वो चेंज होता है कि नहीं। मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, हाउ आर यू ब्रदर, तो हम अगर ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पे चेंज हो गया, कैसे हो भाई। ओके, अब हम क्या करते हैं इसको हम बंद कर देते हैं और देखते हैं कि हमने सेव कुछ भी नहीं किया, ये ओपन क्लाउड पे काम कर रहा है। अब आपने ओपन शीट पे इसको क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये देखिए आपको इस जो सेल है इसमें ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लिया, और ये जो सेल को मैंने छेड़ा भी नहीं था जो पहले उसमें भी ये आ गया। मीन्स ये ऑनलाइन वर्क हो रहा है आपका, सबसे बेहतरीन चीज़ है गूगल शीट का, आपने इसके लिए बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा इससे शीट्स में। ओके, और अब हम चाहते हैं कि कोई मान लीजिए कि दूसरा अगर पॉइंट्स है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा है हेलो रंजे, ये आपने इसमें सेल में आपने लिखा है, और आपको चाहिए कि ये हमें अलग करना है, तो इसके लिए आप एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं जो कि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इस स्प्रेडशीट में। बस आपने करना क्या है, इस सेल को सिलेक्ट करना है और ऊपर आपको डेटा का ऑप्शन आएगा, आप डेटा में जाएं और यहाँ पे दे रहा है स्प्लिट टेक्स्ट इनटू कॉलम, बस आपने स्प्लिट टेक्स्ट इनटू कॉलम पे क्लिक कीजिए और डिटेक्ट ऑटोमेटिकली की छोड़ के आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप, तो यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे आपके पास, तो आप स्पेस पे आप क्लिक करो और ये देखो आपको तीन पार्ट में डिवाइड हो गया ये चीज़। तो ये बेहतरीन चीज़ें हैं जो कि आपको एक्सेल में मिलेंगे। इन सब चीज़ों के बाद आपको ये काम करने का इस पर मज़ा काफ़ी बेहतर आएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपको शेयर करना चाहता था। एक और चीज़ें लास्ट में बताना चाहता हूँ कि आप एक्सेल्स में आप हिस्ट्री नहीं देख सकते हैं, यहाँ पे आप वर्ज़न का
हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप सारा कुछ का हिस्ट्री चेक कर सकते हो। जैसे हमने इस टाइम पे क्या किया था, ये शीट खाली था और इसके बाद क्या किया, ये शीट में हमने क्या क्या ऑप्शंस लगाए और क्या चेंजेस किए, तो आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री ये मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं इसमें स्प्रेडशीट में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, काफ़ी नॉलेज के जो भी आते हैं मैं आपको शेयर करता हूँ, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।